एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। जैसे कि हम लास्ट टाइम आपका चैप्टर कर रहे थे व्हाई डू वी फॉल इल, जिसमें हमने मैनिफेस्टेशन के बारे में लास्ट टाइम किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, आज हम ये करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम जब भी बीमार होते हैं, ठीक है, तो कौन से स्टेप हमारी फैमिली द्वारा लिए जाते हैं जब भी हम बीमार होते हैं। तो आपने ये सोचा होगा कि जब हम थोड़ा सा सोते हैं तो हम बेटर फील करते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं ऐसे सोचा होगा कि जब जैसे आप लेटते हो या सोते हो तो आप बेटर फील करते हो पहले से। तो ये ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट में हमारी मेडिसिन कब आ जाती हैं, कब इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो हमने पहले भी जैसे पढ़ा था कि जैसे हमें अपेयर होता कि दो तरीके होते हैं ट्रीट करने के इन्फेक्शियस डिजीज़ के। इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ पीछे। एक तो रिड्यूस करना है क्या इफेक्ट किसका, डिजीज़ का, और दूसरा किल करने हैं काज किसके, डिजीज़ के। तो सबसे पहले हमें प्रोवाइड होती है ट्रीटमेंट जो कि रिड्यूस करेगी सिम्टम्स। मैं आपको बताया था कि जब भी कोई डिजीज़ होती है, कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं, हेडेक होती है, फीवर होता है, तो सबसे पहला स्टेप तो हमें सिम्टम्स को रिड्यूस करना है। सिम्टम्स जो हैं वो जो किसके कारण होते हैं, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, तो जब भी कोई भी माइक्रोब्स जो हम बॉडी के अंदर एंटर करने लगते हैं तो उनको रिक्रूट करता है। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो इन्फ्लेमेशन। तो जब रिक्रूटमेंट हो रही होती है तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स शो कर होते हैं, ठीक है। उसके कारण पहले हमें इन सिम्टम्स को क्या करना होता है, कंट्रोल में लाना होता है, रिड्यूस करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं वो फीवर को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए पेन या लूज मोशन ऑलरेडी होता है ये मोस्टली। तो हम कीमत क्या करते हैं, ले सकते हैं, वी कैन टेक बेड रेस्ट, बेड रेस्ट भी ले सकते हैं। अब ये बेड रेस्ट क्यों लेनी होती है हमें, कि हम अपनी एनर्जी को क्या करें, कंजर्व करके बचा के रखें, क्योंकि इससे हम अनेबल हो सकते हैं, फोकस होगा हमारा हीलिंग के ऊपर, और जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा उसको एनर्जी मिलेगी लड़ने के लिए माइक्रोब्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये इस काइंड के जो सिम्टम हैं, ये ट्रीटमेंट मतलब इसके लिए ये नहीं बोल सकते कि ये इसमें ट्रीटमेंट हो सकती है, या इससे जो आपका माइक्रोब जो एंटर हो रहा है बॉडी के, इनफैक्ट माइक्रोब वो चला जाएगा और डिजीज़ जो होगी वो ठीक नहीं होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से आप मतलब ठीक हो जाए। हमें क्या चाहिए होता है, एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब। हमने माइक्रोब्स को क्या करना होता है, किल करना होता है जो बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं माइक्रोब्स को किल, एक तो ये वे है कि यूज़ करेंगे मेडिसिन जो किल करेंगी माइक्रोब्स को। तो हमने पहले ही देखा है कि माइक्रोब्स जो हैं वो क्लासीफाई हुए हैं अलग अलग कैटेगरीज में, वो वायरस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगी भी होते हैं, प्रोटोजो भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कुछ ज़रूरी क्या होती है, बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस होती है, जो पैटुलर स्पेशली एक ग्रुप की होती है, वो शेयर नहीं होती दूसरे ग्रुप की। हर एक ऑर्गेनिज्म की, हर एक माइक्रो की अपनी अपनी बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस होती है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती हैं, ये पाथवे रास्ता बन जाता है, सिंथेसिस होती है, प्रोडक्शन होती है नए सब्सटेंस की या रिस्पिरेशन की। ये जो रास्ते हैं ये यूज़ हम मतलब इनको यूज़ नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमारे जो सेल हैं वो क्या करते हैं, नए सब्सटेंस बनाते हैं, मैकेनिज्म उनका अलग है, उनका मैकेनिज्म अलग होता है बैक्टीरिया के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। सेल्स का काम करने का तरीका जो है वो अलग है, बैक्टीरिया का अलग है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए होती है, एक ड्रग चाहिए होती है जो ब्लॉक करे बैक्टीरिया के सिंथेसिस पाथवे, ठीक है। कि बैक्टीरिया को जो रास्ता मिला होता है बॉडी के अंदर एंटर होने का, उसके रास्ते में जो भी बन रहा है उससे क्या करना, ब्लॉक करना उसके रास्ते को। लेकिन इस तरह से मेडिसिन इस तरह से इफेक्ट नहीं, हमारे इफेक्ट मतलब हमें इफेक्ट ना करे, उसके रास्ते को तो ब्लॉक करे लेकिन ह्यूमन बींग्स को जो भी वो ड्रग ले रहा है उसे वो इफेक्ट ना करे। इसीलिए ये कैसे अचीव होगा, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, तो हमें पता है एंटीबायोटिक्स का। सिमिलरली जो ड्रग लिया जाता है प्रोटोजो को क्लियर करने के लिए, जैसे मलेरिया पैरासाइटिक के लिए, तो मतलब हर एक ये जो बैक्टीरिया हैं या प्रोटोजोआ हैं हर एक के लिए अलग अलग ड्रग होता है, और ये ड्रग इस तरह से बनाए गए होते हैं कि ये हमारी बॉडी को इफेक्ट ना करें। एक रीज़न ये भी है, आपको पता है जो एंटीवायरल मेडिसिन है उनको बनाना मुश्किल होता है किससे कंपेरिजन में, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। क्यों? क्योंकि वायरस जो होते हैं उनके मैकेनिज्म बहुत कम होते हैं, जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस होती है वो अपनी बहुत कम होती है, ठीक है। और ये एंटर करते हैं सेल्स में और हमारी ही मशीनरी, हमारी ही लाइफ प्रोसेस के जो मैकेनिज्म है उसी को यूज़ करते हैं। इसका मतलब कि ये बहुत ही मतलब कम वायरस होते हैं जिनका स्पेसिफिक टारगेट क्या होता है, एम करने का, मतलब वो आते हैं हमारी बॉडी में और हमारी ही बॉडी के अंदर उसमें हमारी बॉडी के जो सेल का जो मैकेनिज्म है उसी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।
इतनी सारी लिमिटेशन होने के बावजूद ही अब जो इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो बने हुए हैं, जैसे HIV इन्फेक्शन का है, ठीक है, वो भी क्या है अब अंडर कंट्रोल है, ऐसे ड्रग है कि जिससे उसके इन्फेक्शन को अंडर कंट्रोल रखा जाए, उसे रेगुलरली खाना पड़ता है, ऐसे मेडिसिन हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि अब चाहे HIV का ही इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके अंदर जो वायरस है वो उसी की बॉडी को यूज़ करता है, ठीक है, उसी के सेल्स के मैकेनिज्म को यूज़ करता है, तो इसीलिए ऐसी मेडिसिन बनाना तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, अभी आजकल बन रही है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि HIV के इन्फेक्शन की जो ड्रग है वो बनी हुई है कि ताकि HIV का क्या हो, कंट्रोल रहे। अब ये तो बात ही ट्रीटमेंट की, लेकिन वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो प्रिवेंशन लो, ठीक है। हम सभी ने ये सुना होगा, डेली होगी, कि कैसे हम दूर रह सकते हैं इन्फेक्शन से, अगर कहीं डिजीज़ फैल रही हो, चाहे किसी को डिजीज़ हो तो उनकी उसकी इन्फेक्शन से कैसे दूर है। लेकिन ऐसी तीन लिमिटेशंस हैं, ठीक है, डील करने की इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ। सबसे पहली तो ये है कि अगर किसी को डिजीज़ है तो उसकी बॉडी के फंक्शन जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और जल्दी रिकवर नहीं होता, ये चीज़ें आपने देखी होगी। दूसरी ट्रीटमेंट ये होती है कि कई बार क्या होता है, टाइम लगता है किसी की बॉडी रिकवर होने में, क्या होता है, टाइम लगता है। इसका मतलब कि कोई सफरिंग तो है डिजीज़ में, ठीक है, डिजीज़ तो है उसको, लेकिन उसे कहा जाता है आप बेड रेस्ट करो थोड़ी देर के लिए, तो उसको साथ में क्या दी जा सकती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जा सकती है, लेकिन वो मतलब रिकवर करेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तीसरा ये होती है कि जो पर्सन सफरिंग है इन्फेक्शियस डिजीज़ से, वो सर्व एज अ सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन मे स्प्रेड टू अदर पीपल, वो एक सोर्स का काम भी निर्भर करता है, ठीक है। सोर्स मतलब अगर कोई भी, जैसे कफ एंड कोल्ड की बात कर रहे हैं, अगर किसी को आता है तो कहीं क्या उसको सोर्स बन जाते हैं, वो जगह जगह फैलाने का काम, तो इससे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है डिफ़िकल्टी की, क्योंकि इसके कारण ये हैं कि प्रिवेंशन होनी चाहिए। प्रिवेंशन है डिजीज़ का, वो बेटर देन है क्योर, कि आप पहले प्रिवेंट करो, इलाज तो बाद की बात है, तो पहले आपको पता है ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने आप को प्रिवेंट रखो उनसे। तो हम पहले प्रिवेंट कैसे रख सकते हैं डिजीज़ से, दो तरीके हैं, एक तो जनरल होता है, दूसरा होता है स्पेसिफिक। हर एक डिजीज़ का जनरल वे जो होता है प्रिवेंटिव इन्फेक्शियस डिजीज़ का, वो रिलेटेड किससे है, एक्सपोजर से, ठीक है। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सपोज करने से इन्फेक्शियस माइक्रोब्स को, तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग, वो फैली कैसे, तो हमें इजी आंसर मिल जाएगा। अगर एयरबॉर्न डिजीज़ है तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सपोजर कैसे, प्रोवाइड करके लिविंग कंडीशन ऐसी जगह पे कि ओवर क्राउडेड ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, ठीक है। भीड़ भाड़ हो तो ऐसी डिजीज़ तो आराम आराम से फैल जाएंगी। अगर वाटरबॉर्न डिजीज़ हैं तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसको फैलने से, प्रोवाइड करके ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और ये कैसे हो सकता है, हमें क्या करना है, वाटर में जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करना है, ठीक है। और अगर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, वेक्टर बॉर्न आपको पता है जैसे मलेरिया हो गया, तो हम इसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लीन इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट क्लीन होगा तो मच्छर जो होंगे वो पनपेंगे नहीं, तो होगा कहाँ से, बीमारी कहाँ से होगी। अब ये इतना ही नहीं है, एग्जाम्पल ये है कि जैसे मॉस्किटो ब्रीडिंग की है, ठीक है, ये इसके लिए बताया, मॉस्किटो ब्रीडिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पे गंदगी होगी। अगर आपका इन्वायरमेंट क्लीन होगा तो मॉस्किटो ब्रीडिंग ही नहीं होगी, मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होगी तो मलेरिया कहाँ से होगा। और दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक हाइजीन जो है ना वो बेसिक की है प्रिवेंशन करने की इन्फेक्शियस डिजीज़ की। मतलब कि अगर हम सब पूरी की पूरी पब्लिक की अगर हाइजीन अपनी साफ सफाई रखे तो ये प्रिवेंशन हो सकता है किसका, इन्फेक्शियस डिजीज़ का। अब ये तो इशू हो गए इसके साथ रिलेटेड इन्वायरमेंट के, कुछ और भी जनरल प्रिंसिपल होते हैं प्रिवेंट करने के इन्फेक्शियस डिजीज़ के, वो क्या, इन्हें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेट अस तो आज के क्वेश्चन वी हैव नॉट, हमने वो क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने पहले नहीं किया होगा। नॉर्मली हमने फेस की है इन्फेक्शन, करते हैं एवरीडे, होती ही रहती है इन्फेक्शन। अगर कोई भी सफ़र हो रहा है कोल्ड और कफ से क्लास में, ठीक है, देखा होगा एग्जाम्पल, होता है मोस्टली बच्चों को, तो आपने देखा होगा चिल्ड्रन जो उसके अराउंड बैठे होंगे वो भी एक्सपोज हो जाते हैं इन्फेक्शन में, लेकिन सारे के सारे नहीं होते, ठीक है, चाहे उसके पास ही बैठे होंगे लेकिन सभी के सभी नहीं होते, ठीक है, सफ़र डिजीज से। ऐसा क्यों नहीं होता, मतलब कुछ को होता है इन्फेक्शन, कुछ को नहीं होती, क्यों नहीं होती, ये क्यों नहीं होती, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम है बॉडी का, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो फाइट करता है, ठीक है, और ऑफ माइक्रोब्स को क्या करता है, निकालता है बाहर, कैटरेट करता है, रिक्रूटमेंट करता है उनकी। हमारे जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से स्पेशलाइज किए होते हैं कि वो किल करते हैं इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स को। ये सेल सेक्शन में आ जाते हैं हर टाइम, जब भी इन्फेक्शन जो माइक्रोब्स वो एंटर करते हैं बॉडी में, अगर ये सक्सेसफुल हुए, ठीक है, तो हमें डिजीज़ नहीं होगी। तो इम्यून सेल्स जो कहते हैं मैनेज करते हैं, किल ऑफ करते हैं इन्फेक्शन को लॉन्ग बिफोर, लंबे समय तक, ठीक है,
तब तक जब तक वो माइक्रोब ज़्यादा मात्रा में ना आ जाए, मेजर प्रपोर्शन में ना आ जाए। ऐसा ही हमने देखा होगा कि अगर नंबर जो इन्फेक्टिव माइक्रोब्स का है अगर अंडर कंट्रोल है तो जो मैनिफेस्टेशन है डिजीज़ की वो भी मतलब माइंड होगी, इफेक्ट जो उसका कम ही होगा। अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि जो एक्सपोज या इन्फेक्टेड जो होता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इन्फेक्शियस माइक्रोब जो नेचुरली क्या होगा कोई ना कोई नोटिसबल डिजीज होगी होगी, इसको डेवलप करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मतलब कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो आप बीमारी से बच सकते हो। तो एक तरीका जो देखने का इन्फेक्शियस डिजीज का ये भी हो गया कि रिप्रेजेंट करता है लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यून सिस्टम। अगर आपका कमी होगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, तो फंक्शनिंग जो इम्यून सिस्टम की वो भी एक अदर सिस्टम है हमारी बॉडी का, अगर वो अच्छा नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, सफिशेंट नरिशमेंट नहीं मिलेगी, फूड नहीं मिलेगी, तो ये इसकी फंक्शन जो है उसको अफेक्ट होता है इम्यून सिस्टम की। अदरवाइज इम्यून सिस्टम सभी के स्ट्रांग ही होते हैं, लेकिन किनके नहीं होते, जिनको प्रॉपर सफिशेंट नरिशमेंट नहीं मिलती, जब फूड नहीं अवेलेबल होता। ठीक है, तो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल जो प्रिवेंशन का यही है इन्फेक्शन डिजीज का कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर सफिशेंट फूड की हर किसी को, ताकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। ये तो जनरल वे थे, मैं बोल रहा था दो वे हैं, जनरल स्पेसिफिक। ये तो जनरल वे हो गए प्रिवेंट करने के इन्फेक्शियस डिजीज़ को। अब स्पेसिफिक वे क्या होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं पैक्युलर मतलब स्पेशल प्रॉपर्टी, पार्टिकुलर प्रॉपर्टी किसकी, इम्यून सिस्टम की, जो यूजली फाइट करती है, किसके साथ फाइट ऑफ करती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन के साथ। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को। अब दीज डे आपने देखा होगा कि आजकल तो वैसे वो कोरोना का चल रहा है, आपने पहले देखा होगा कि अब आजकल तो कोई भी स्मॉल पॉक्स की कोई भी मतलब बड़े कम मिलते ही नहीं है केसेस, बोलते हैं वर्ल्ड में है ही नहीं। लेकिन आपने देखा होगा, आपको नहीं पता होगा कि 100 ईयर एगो ये स्मॉल पॉक्स जो है वो एपिडेमिक्स में महामारी की तरह फैल गई थी। ठीक है, एक ऐसी एपिडेमिक्स थी जो पीपल इसका मतलब नाम भी लोग इसका सुनने से डरते थे, और अगर किसी को हुआ होता तो उसके पास जाने से भी डरते थे, मतलब ताकि उनको डर ये होता था कि ये बीमारी हमें भी कैच ना कर ले, सेम लाइक कोरोना। तो ये भी उस टाइम पे ये भी एक महामारी की तरह फैला था स्मॉल पॉक्स, आपने तो सुना होगा नाम। लेकिन फिर भी एक ग्रुप था पीपल का ऐसे कि जो उस टाइम पे नहीं डरा। कौन सा ग्रुप था वो पीपल का, उनको नर्सिंग उन्होंने नर्सिंग केयर की इन विक्टिम्स की जिनको स्मॉल पॉक्स था। ठीक है, जो सफरिंग थे स्मॉल पॉक्स से उन्होंने तो उनकी केयर की, और ये वो ग्रुप था पीपल का जिनको पहले स्मॉल पॉक्स हो चुका था, उन्होंने सर्वाइव किया। ठीक है, उन्होंने मतलब कहने का मतलब उनको बीमारी पहले थी लेकिन उसके बाद उन्होंने सर्वाइव किया, ठीक हुए। तो ये आप कह सकते हो कि अगर आप एक आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया तो फिर कोई चांस नहीं है कि आप उसको आपको फिर से वो होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपको एक बार डिजीज होती है, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है अटैक, अगर दोबारा होता भी है उसका तो आपको उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। और ये क्यों होता है, ये होता है क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है पहले वो देख लेता है इन्फेक्शियस माइक्रोब्स को फर्स्ट टाइम, तो रिस्पॉन्ड करता है उसके अगेंस्ट, और फिर याद रखता है उसको स्पेसिफिकली कि ये किस टाइप का माइक्रोब है। तो नेक्स्ट टाइम जो होता है वो पार्टिकुलर माइक्रोब जो होगा या उससे रिलेटेड कोई भी अगर एंटर करेगा बॉडी को, तो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा उसको पहले से भी बेटर वे से, और एलिमिनेट करेगा उसकी इन्फेक्शन को क्विकली फास्ट तरीके से पहले से भी। पहले अगर आपको 4 दिन में हुआ होगा ठीक, तो नेक्स्ट टाइम वो 2 दिन में करने की कोशिश करेगा। और यही है आपका बेसिक प्रिंसिपल किसका, इम्यूनाइजेशन का। तो ये हम देख सकते हैं जनरल प्रिंसिपल में कि जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर डेवलप हो जाती है मेमोरी पार्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, पुटिंग समथिंग दैट मिमिक्स माइक्रो, तो कहने का मतलब है, तो एक क्योंकि साथ में हमने क्या क्या होता है कि वैक्सीन भी लगाई होती है, जब भी आपको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी लगी होती है एंटर होती है तो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया होता है कि अब फिर से वो माइक्रोब एंटर करेगा बॉडी के अंदर तो इम्यून सिस्टम उससे इफेक्ट नहीं होने देगा। तो एक्चुअली होता क्या है, काज जो होता है डिजीज़ का, तो एक्चुअली काज डिजीज़ का ये नहीं है। ठीक है, दिस प्रिवेंट एनी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, लेकिन ये प्रिवेंट करता है किसी भी एक्सपोजर को। ये जो इम्यून सिस्टम का जो उन्होंने वर्किंग बताई है ये तभी होती है नेक्स्ट उसके लिए डिजीज़ के लिए, जब फिर से आपको डिजीज़ अगर अफेक्ट करती है, जैसे स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं, तो ये तभी होगा अगर आपको वैक्सीन लगी होगी। ठीक है, तो वैक्सीन ने इतना स्ट्रॉन्ग उसको बना दिया होता है कि अगर नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसा कोई माइक्रोब एंटर करता है बॉडी के अंदर तो वो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, फाइट करेगा। अब तो बहुत सारी वैक्सीन जो हैं अवेलेबल हैं प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शियस डिजीज से, और
प्रोवाइड हैं डिजीज स्पेसिफिक मीन्स प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। अलग अलग बीमारी के लिए वैक्सीन जो हैं वो बनी हुई हैं। ये जैसे टैटनस की इंजेक्शन है, डायथ्रिया है, वूपिंग कफ है, मीजल्स, पोलियो, मैनियद्रा। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को बर्थ के टाइम से ही इंजेक्शन लगना जो क्या होते हैं स्टार्ट हो जाते हैं। और ये किस लिए है? पब्लिक हेल्थ के लिए है। प्रोग्राम चलाए गए हैं चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन के प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शियस डिजीज़ को। तो ऑफकोर्स ऐसा जो प्रोग्राम हो वो यूज़फुल होंगे अगर हेल्थ मेजर भी अवेलेबल हों सभी चिल्ड्रन को। आपने ये सोचा होगा कि क्या रीज़न, ऐसा क्यों? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों? और जैसे ले लीजिए कि अगर आपका कुछ हेपेटाइटिस वायरस जो है, जो जॉन्डिस को जिसका कारण होता है, अगर वो ट्रांसमिट होता है वाटर से, ठीक है, तो वैक्सीन तो है उसके लिए हेपेटाइटिस ए मार्केट में, लेकिन जो मेजॉरिटी जो चिल्ड्रन की है बड़े हमारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में आर ऑलरेडी इम्यून टू हेपेटाइटिस ए बाय द टाइम दे आर 5 ईयर। इनको जो इसका इंजेक्शन है जब ये 5 साल के होते हैं तो इनको ऑलरेडी ये इंजेक्शन लग गया होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोज हो जाएंगे वायरस को, किस अगर ऐसे वाटर पियेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो इसी सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग वैक्सीन बनाई गई है कि पहले ही पता होता कि कल को ऐसा इन्फेक्शन होगा, इसलिए बच्चों को जो छोटे बच्चों को टाइम टाइम पे इंजेक्शन लगते रहते हैं। मैं देखो जैसे कि पोलियो का प्रोग्राम समय समय पे 5 साल से जो कम उम्र के बच्चों जो होते हैं उनको पोलियो की बूंदें पड़ती हैं। क्यों? ताकि कल को जाके उनको पोलियो से इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो ये तो था आपका आज का टॉपिक, ये हो गया आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है, टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी बाकी की वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।